हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। आज के इस क्लास में हमारा टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड क्या है, यह किस प्रकार कार्य करता है और इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में जानने से पहले हम कुछ अलग टॉपिक है उसके बारे में जान लेते हैं क्लियरली। तो आगे हम चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी हमारे पदार्थ हैं, क्या हैं जी? जितने भी हमारे पदार्थ हैं, क्लियर? तो जितने भी हमारे पदार्थ हैं, ये सभी के सभी पदार्थ तीन मौलिक कणों से बने हैं। किससे? तो इलेक्ट्रॉन से, उसके बाद प्रोटॉन से, और उसके बाद न्यूट्रॉन से। यानी जितने भी हमारे मटेरियल हैं, ये सभी के सभी मटेरियल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बनते हैं। यह बात हम जानते हैं। यह जो है, इसे हम लोग कहते हैं, मान लेते हैं कि हमारा क्या हो गया, नाभिक हो गया। क्या हो गया जी? नाभिक कहें या न्यूक्लियर हो गए हैं। तो न्यूक्लियर में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। परमाणु के न्यूक्लियर में क्या रहता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इसके बाकी के जो हमारे ऑर्बिट हैं, या बाकी की ये जो हमारे कक्षाएं हैं, इन सभी कक्षाओं में या इन सभी ऑर्बिटों में क्या होता है? तो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ गति करता है। क्या करता है? चारों तरफ गति करता है। इसके जितने भी ऑर्बिट हैं, इन ऑर्बिटों को हम लोग KLMN इत्यादि के नाम से जानते हैं। और इन सभी ऑर्बिटों में हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं। क्लियर? अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मटेरियल हो गया। क्या हो गया? हमारे पास कोई मटेरियल हो गया। क्लियर? अब इस मटेरियल में हमारा क्या है कि मटेरियल के हमारे नाभिक में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और इसके बाकी जो ऑर्बिट है, इन बाकी ऑर्बिट में हमारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन हमारे चक्कर लगा रहे हैं। और इन ऑर्बिटों में क्या है? ऑर्बिट में हमारे इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है, अवेलेबल है। क्लियर? तो हमारा ये जो ऑर्बिट हो गया, इन ऑर्बिटों में इलेक्ट्रॉन सब में है। तो मान लेते हैं कि हमारा कोई पदार्थ हो गया, तो पदार्थ का हमारा जो पदार्थ हो गया, तो इस पदार्थ का जो अंतिम कक्षा होगा, जो मेरा अंतिम ऑर्बिट होगा, यदि हमारे इस अंतिम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक दो या मान लेते हैं तीन, एक दो या तीन, क्लियरली समझ आ रहा ना जी? हमारे पास कोई मटेरियल हो गया, और मटेरियल के अंतिम ऑर्बिट में यानी कि अंतिम कक्षा में जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी संख्या एक या दो के समथिंग है, या मान लेते हैं कि तीन के समथिंग है। क्लियर? तो ये जो मेरे एक या दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये एक या दो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से क्या है, काफी डिस्टेंस पे है, काफी दूरी पर है। तो इसके वजह से, इसके कारण से इनके बीच जो हमारा फोर्स होगा, वो फोर्स क्या होगा? वो मेरा फोर्स कम होगा। क्या होगा? मेरा फोर्स इनके बीच फोर्स कम होगा। क्लियरली? अब यदि हम इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यदि हम इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर हल्का सा फोर्स दें, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएंगे। क्लियर? तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इसके बाद चलते हैं। जिस पदार्थ के अंतिम कक्षा में, जिस मटेरियल के अंतिम ऑर्बिट में, जिस मटेरियल के अंतिम ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस प्रकार के मटेरियल को हम लोग उतना संयोजी तत्व कहते हैं। क्लियरली? हमारा कोई मटेरियल हो गया, क्लियर? मटेरियल में हम लोग ले लेते हैं सिलिकेन। क्या ले लेते हैं जी? मटेरियल में हम लेते हैं सिलिकेन। सिलिकेन क्या ले लिए? मटेरियल में हमने ले लिया सिलिकेन। क्लियरली? सिलिकेन के अंतिम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी चार होती है। क्या होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी चार होती है। क्लियरली? तो हम क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि मेरा जो सिलिकेन है वह चार संयोजी तत्व है। क्लियरली? बात समझ में आई कि नहीं? हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। किसकी बात कर लेते हैं? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के अंतिम ऑर्बिट यानी कि अंतिम कक्षा में हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? आठ हैं।
हम कह सकते हैं कि मेरा जो ऑक्सीजन है वह 8 संयोजी क्या है, तत्व है, 8 संयोजी मेरा यह तत्व है। क्लियर। हम बात कर लेते हैं एंटीमनी, किसकी बात कर लेते हैं एंटीमनी, तो एंटीमनी है तो एंटीमनी के अंतिम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। तो हम कहेंगे क्या चीज कि हमारा जो एंटीमनी है वह 5 संयोजी तत्व है। एक लाइन में फिर समझना है, किसी भी पदार्थ के, किसी पदार्थ के अंतिम कक्षा में या अंतिम ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम उतना संयोजी तत्व कहते हैं। क्लियरली बात समझ आई कि नहीं, उसे हम उतना संयोजी तत्व कहते हैं। थोड़ी सी और हम यहाँ पर समझ लेते हैं, एक लाइन और समझ लेते हैं कि यदि हमारे पास कोई मटेरियल है, हमारे पास कोई पदार्थ है, क्लियर, यदि इस पदार्थ के अंतिम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हमारा 1 होगा या 2 होगा, क्लियर, तो इस प्रकार के हम लोग मटेरियल को कंडक्टर की श्रेणी में रखते हैं। किसकी श्रेणी में रखते हैं जी, कंडक्टर की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। क्लियर। जिस पदार्थ के अंतिम ऑर्बिट यानी कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 के बाद होती है, यानी कि 3, 4, 5, 6 तक जाती है, क्लियर, तो इस प्रकार के मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार के मटेरियल को हम लोग कहते हैं सेमी कंडक्टर। क्या कहते हैं जी, सेमी कंडक्टर। बात समझ आई कि नहीं, सेमी कंडक्टर का मतलब ये हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा मगर कंडक्टर की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। क्लियर। इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा मगर कंडक्टर की अपेक्षा कम होगा। अब बात कर लेते हैं कि जिस पदार्थ के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 के बाद होती है यानी कि 8 होती है, तो उस प्रकार के मटेरियल को हम लोग कहते हैं इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर। क्या कहते हैं, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर। क्लियर। हमारा जो टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड, यह टॉपिक हमारा स्टार्ट किसको होगा, यह टॉपिक चलेगा हमारे सेमी कंडक्टर के ऊपर। क्लियरली सेमी कंडक्टर आप लोग जान गए कि सेमी कंडक्टर क्या है, तो वह मटेरियल जिसके अंतिम ऑर्बिट यानी कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो, 4 हो अथवा 5 हो, उस प्रकार के मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर में रखते हैं। बात समझ में यहां तक आ गई। अब आगे चलते हैं, अब हम पीएन जंक्शन डायोड के बारे में चलेंगे। तो पीएन जंक्शन डायोड के बारे में चलने से पहले हम एक चीज याद कर लेते हैं, हमारा क्या चीज, तो पी टाइप मटेरियल। क्या चीज जी, पी टाइप मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है टॉपिक में, क्या दिया हमारा, पी टाइप मटेरियल। तो हम जानेंगे कि हमारा पी टाइप मटेरियल क्या है। क्लियर। पी टाइप मटेरियल क्या है, तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले ले लेते हैं जर्मेनियम। क्या लेते हैं जी, जर्मेनियम, जर्मेनियम या सिलिकॉन, या सिलिकॉन। तो हम यहां पर क्या ले लिए, हम दो मटेरियल ले लेते हैं, मटेरियल हमारा जर्मेनियम हो सकता है या सिलिकॉन हो सकता है। जो हमारा जर्मेनियम है इसके अंतिम ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, और जो मेरा सिलिकॉन है इसके अंतिम ऑर्बिट यानी कि अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जर्मेनियम और सिलिकॉन मेरा जो है यह 4 संयोजी तत्व है। क्लियर। जर्मेनियम या सिलिकॉन की जो संरचना होती है यह संरचना जालीय होती है। कैसी होती है जी, संरचना इसकी जालीय होती है, और जर्मेनियम या सिलिकेन का एक इलेक्ट्रॉन कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। क्या करता है जी, बॉन्ड यानी कि उसके साथ बंधन बनाता है। क्लियर। जर्मेनियम या सिलिकेन इसकी जो संरचना होती है, संरचना इसकी जालीय होती है, और जर्मेनियम या सिलिकेन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। क्या करता है जी, बॉन्ड बनाता है। बात समझ में आ गई। तो अब हम क्या करते हैं कि जर्मेनियम या सिलिकेन में हम क्या करते हैं कि मिलाते हैं कौन सा भाव, हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है यह टॉपिक क्या है, पी टाइप मेरा मटेरियल है। क्या है, पी टाइप मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पी टाइप मटेरियल में हम क्या करते हैं कि जर्मेनियम या सिलिकॉन। क्लियर। जर्मेनियम या सिलिकॉन दोनों क्या है, 4 संयोजी तत्व है। क्लियर। और यह भी आपको बता चुके हैं कि जर्मेनियम या सिलिकॉन जो है इसकी संरचना जालीय होती है, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। क्लियर। अब हम जर्मेनियम या सिलिकॉन में क्या करते हैं कि कुछ अन्य सेमीकंडक्टर को क्या करते हैं, मिला देते हैं, कुछ अन्य सेमीकंडक्टर को मिला लेते हैं। जैसे में हमारा हो गया इंडियम। क्या हो गया जी, इंडियम मेरा क्या है, इंडियम मेरा सेमीकंडक्टर है।
क्या है मेरा इंडियम? इंडियम मेरा सेमीकंडक्टर है, क्लियर। उसके बाद गैलियम, क्या है जी? गैलियम, इंडियम और गैलियम क्या है? इंडियम और गैलियम ये दोनों को देने मेरे क्या है? सेमीकंडक्टर है। और इंडियम और गैलियम के अंतिम ऑर्बिट में यानी कि अंतिम कक्षा में तीन इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है जी? तीन इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, क्लियर। तो हम जर्मेनियम या सिलिकेन के अंदर, जर्मेनियम या सिलिकेन के अंदर तीन संयोजी तत्व, क्लियर। तीन संयोजी तत्व का मतलब यह हुआ कि वह मेटेरियल जिसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तीन इलेक्ट्रॉन हो। तो हम जर्मेनियम या सिलिकेन में इंडियम अथवा गैलियम दोनों में से किसी एक को मिला देते हैं, यानी क्या मेरा चार संयोजी तत्व हो गया। और चार संयोजी तत्व हमने क्या किया? तीन संयोजी तत्वों को मिला दिया। क्या किया जी? तीन संयोजी तत्वों को हम लोग ने मिला दिया। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि हम यहां पर ले लेते हैं जर्मेनियम। क्या ले लिए? जर्मेनियम ले लिए, क्लियर। मेरा जर्मेनियम हो गया, क्लियर। अब जर्मेनियम के कितने इलेक्ट्रॉन है जी? जर्मेनियम का हमारा एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, क्लियर। समझा रहा जी? जर्मेनियम हो गया, दिख रहा है। अब हम क्या किए कि यहां पर हमारे जर्मेनियम हो गया। अब इस हमने जर्मेनियम में क्या किया है कि जर्मेनियम में हमने इंडियम या गैल्मेनियम को मिला रखे हैं, मिला देते हैं। तो जब हम जर्मेनियम में इंडियम या गैल्मेनियम को मिलाएंगे तो क्या होगा? गैल्मेनियम और जर्मेनियम का क्या करेगा ये? यहां पर ये पॉइंट हो गया मेरा, दिख रहा है ना जी यहां पर। अब यहां पर क्या हुआ कि जो मेरा जर्मेनियम हो गया, क्या हो गया जी? ये मेरा जर्मेनियम हो गया और ये मेरा इंडियम हो गया। क्या हो गया जी? इंडियम हो गया मेरा। तो ये यानी कि जो मेरा ये जर्मेनियम हो गया, ये मेरा जर्मेनियम या सिलिकेन है। तो जर्मेनियम या सिलिकेन में हमने क्या किया है? तो जर्मेनियम या सिलिकेन में हमने इंडियम या गैल्मेनियम की अल्प मात्रा को मिला रखा है। हमने जर्मेनियम या सिलिकेन में गैल्मेनियम या इंडियम की अल्प मात्रा को मिला रखा है। मेरा जो जर्मेनियम है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? चार इलेक्ट्रॉन है इसके अंतिम कक्षा में, दिख रहा है। अब हम इसमें क्या मिला रखें? इंडियम या गैल्मेनियम मिलाएंगे तो जर्मेनियम का चार इलेक्ट्रॉन और इंडियम का तीन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? आपस में मिलकर के एक बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा जी? आपस में मिलकर के मेरा इंडियम हो गया, यह मेरा इंडियम हो गया, दिख रहा है जी। तो एक के साथ जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन, इंडियम का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया यहां पर। जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन, इंडियम का एक इलेक्ट्रॉन, आपस में क्या किया पर? बॉन्ड बना लिया। जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन और इंडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? आपस में बॉन्ड बना लिया, क्लियर। अब यहां पर जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन बच गया, जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर बच गया ना जी, जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर बच गया। अब यहां पर इंडियम का यदि एक इलेक्ट्रॉन और होता तो यहां पर दोनों के साथ क्या बनता? बॉन्ड बनता। मगर यहां पर क्या है? यहां पर एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि यहां का जो जगह है जगह क्या बच गया? यह जगह मेरा खाली बच गया। तो इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? इस जगह को हम लोग कहते हैं होल। क्या कहते हैं? होल कहते हैं। अब शॉर्टकट में समझिएगा, जर्मेनियम या सिलिकेन मेरा चार संयोजी तत्व है, जर्मेनियम या सिलिकेन में हम लोग तीन संयोजी तत्व जैसे कि इंडियम या गैल्मेनियम को मिलाते हैं। तो मिलाने के फलस्वरूप ये दोनों के दोनों जो मटेरियल हैं, इनके मटेरियल के इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाते हैं। और बॉन्ड बनाने के कार्य में, यानी कि बॉन्ड जब बनाते हैं तो बॉन्ड बनाते वक्त क्या होता है? उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। जिस एक इलेक्ट्रॉन जी वहां पर क्या आ जाती है जी? एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। और उस खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? उस खाली स्थान को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं जी? होल, क्लियर। तो जिस मटेरियल में होल होगा, क्या होगा जी? होल होगा। क्या होगा जी? होल होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। उस प्रकार के मटेरियल को हम लोग क्या कहेंगे? पी टाइप मटेरियल कहेंगे। क्या कहेंगे जी? पी टाइप मटेरियल कहेंगे। यानी कि पी टाइप मटेरियल में एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कम होता है। पी टाइप मटेरियल में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। बात समझ आई कि नहीं आई? फिर से एक बार देखिएगा, जर्मेनियम या सिलिकेन चार संयोजी तत्व है, जर्मेनियम या सिलिकेन में हम लोग गैलियम या इंडियम को मिलाते हैं, गैलियम या इंडियम मेरा तीन संयोजी तत्व है। जब दोनों को मिलाया जाता है तो मिलाने के फलस्वरूप उनके बीच एक बॉन्ड होता है और उस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है
और उस कमी को हम लोग क्या कहते हैं, होल कहते हैं, और उस प्रकार के मटेरियल को हम लोग पी टाइप मटेरियल कहते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर। अब आगे चलते हैं, अब हमको जानना है कि मेरा एन टाइप मटेरियल क्या है, एन टाइप मटेरियल क्या है। पी टाइप मटेरियल हम जान गए, अब जानना है एन टाइप मटेरियल। तो एन टाइप मटेरियल में क्या करते हैं कि हम जर्मेनियम या सिलिकेन को ले लेते हैं, जर्मेनियम या सिलिकेन को ले लेते हैं। तो यहां पर मेरा जर्मेनियम या सिलिकेन यहां पर आ गया, क्लियरली। अब जर्मेनियम या सिलिकेन के यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो चार इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पर, तो हमारे चार इलेक्ट्रॉन हो गए। ये क्या है, ये जो है मेरा इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये, मेरा इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है मेरा, यह मेरा इलेक्ट्रॉन है, क्लियरली। ये क्या हो गया मेरा, यहां पर इलेक्ट्रॉन हो गया, क्लियर। समझ में आ रहा है, जर्मेनियम कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे यहां पर, चार इलेक्ट्रॉन है। अब हम जर्मेनियम में आर्सेनिक या एंटीमनी, आर्सेनिक या एंटीमनी, तो जो मेरा आर्सेनिक है या एंटीमनी, आर्सेनिक और एंटीमनी मेरा पांच संयोजी तत्व है, पांच संयोजी तत्व है। पांच संयोजी तत्व का मतलब यह हुआ कि आर्सेनिक या एंटीमनी के अंतिम ऑर्बिट यानी कि अंतिम कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, पांच इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। तो हम चार संयोजी तत्व में जब हम पांच संयोजी तत्वों को मिलाते हैं, क्या करते हैं जी, पांच संयोजी तत्वों को मिलाते हैं, तो चार से चार इलेक्ट्रॉन मिल गए, चार से चार इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे यहां पर, क्या हो जाएंगे हमारे चार चार, एक दो तीन, और क्या हो गया मेरे यहां पर, चार से चार इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब क्या हुआ, आर्सेनिक का एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन मेरा फ्री हो गया, क्या हो गया जी, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। यानी कि जब हम चार संयोजी तत्वों में पांच संयोजी तत्वों को मिलाते हैं, चार संयोजी तत्वों में जब हम पांच संयोजी तत्वों को मिलाते हैं, तो उस क्रिया में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन मेरा फ्री हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है जी, फ्री हो जाता है, क्लियर। और उस प्रकार के मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, एन टाइप मटेरियल कहते हैं। अब आता है कि एन टाइप मटेरियल कैसे मिलाते, कैसे बनाते हैं, तो जर्मेनियम या सिलिकेन या चार संयोजी तत्व में जब हम लोग पांच संयोजी तत्वों को मिलाते हैं, तो मिलाने के फल स्वरूप उनके इलेक्ट्रॉन में एक बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड के फल स्वरूप एक इलेक्ट्रॉन मेरा क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। और उस प्रकार का जो मटेरियल होता है, उस प्रकार के मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, एन टाइप मटेरियल कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि वह मटेरियल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो उसे हम क्या कहेंगे, एन टाइप मटेरियल कहेंगे। और वह मटेरियल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो, कम हो, उसे हम क्या कहेंगे, पी टाइप मटेरियल कहेंगे। जिसमें एक इलेक्ट्रॉन अधिक होगा एन टाइप मटेरियल, और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होगा उसे हम क्या कहेंगे, पी टाइप मटेरियल कहेंगे। बात समझ आई कि नहीं, बात यहां पर समझ आ गई होगी। जब हम लोग पी टाइप और एन टाइप, पी टाइप और एन टाइप, तो हमने यहां पर एक पी टाइप मटेरियल ले रखा है, क्या ले रखा है जी, पी टाइप मटेरियल हमने यहां पर ले रखा है। बात समझ आ रही है, क्या ले रखा है, पी टाइप मटेरियल। तो पी टाइप मटेरियल में क्या होगा, तो पी टाइप मटेरियल में मेरे होंगे होल, क्या होंगे जी, पी टाइप मटेरियल में क्या होगा, होल होगा। अभी बताए कि पी टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, यानी कि जो खाली जगह बच जाता है, खाली जगह को हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं, क्या कहते हैं जी, होल कहते हैं। मेरा कौन सा मटेरियल है, पी टाइप मटेरियल, पी टाइप मटेरियल में क्या है जी, होल है, पी टाइप मटेरियल में क्या है, तो होल है, क्लियर। अब हम दूसरा मटेरियल ले लेते हैं, क्या करते हैं, दूसरा मटेरियल ले लेते हैं। हमने क्या किया, दूसरा मटेरियल ले लिया, क्या किया जी, हमने यहां पर दूसरा मटेरियल ले लिया, क्लियर। अब इस दूसरे मटेरियल में क्या है, तो दूसरे मटेरियल में हम आपको बताए हैं कि दूसरे मटेरियल में हमारा होता है क्या, तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मेरा एक्स्ट्रा होता है, हम कहेंगे एन टाइप मटेरियल। और एन टाइप मटेरियल में क्या होगा, तो एन टाइप मटेरियल में मेरा होगा इलेक्ट्रॉन, क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉन होगा। एन टाइप मटेरियल में क्या होगा मेरा, एन टाइप मटेरियल मेरा होगा इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो ये मेरा पी टाइप मटेरियल हो गया, यह मेरा एन टाइप मटेरियल हो गया, क्लियरली। अब हम पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को क्या करते हैं, तो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को आपस में जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, आपस में क्या करते हैं, आपस में हम अटैच कर देते हैं, उसमें क्रिया के माध्यम से जोड़ने का दो मेथड हो, यानी किसी ना किसी मेथड से हम लोग क्या करते हैं, पी टाइप और एन टाइप मटेरियल क्या करते हैं, आपस में हम जोड़ देते हैं, क्लियरली। तो जब हम पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को आपस में जोड़ते हैं, तो यह मेरा हो गया पी टाइप, और यह साइड वाला जो हो गया मेरा एन टाइप, ये पी टाइप हो गया और यह मेरा एन टाइप हो गया। पी टाइप में क्या है, तो पी टाइप में मेरे होल हैं, क्या है, पी टाइप में मेरे होल हैं, और एन टाइप में क्या है मेरे, तो एन टाइप में है मेरा इलेक्ट्रॉन, क्या है जी मेरा, एन टाइप मटेरियल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है,
क्या है जी? इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है मेरा? होल है। क्या है जी? होल। होल माने क्या? होल मतलब प्रोटॉन, यहां पर हम दिखा सकते हैं माइनस, यहां पर दिखा सकते हैं हम लोग प्लस। क्लियरली? अब हम पी टाइप और एन टाइप मेटेरियल क्या किए? पी टाइप और एन टाइप मेटेरियल को हमने आपस में मिला दिया। क्लियरली? तो जब हम पी टाइप और एन टाइप मेटेरियल को मिलाते हैं, तो मिलाते वक्त क्या होता है कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन है, एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन है वो पी क्षेत्र में चले आते हैं। कहाँ चले आते हैं जी? पी क्षेत्र में चले आते हैं। जब हम पी टाइप और एन टाइप मेटेरियल को मिलाते हैं तो हमारे एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन है वो पी क्षेत्र में चले आते हैं। तो यहाँ का जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या था? यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले आए? यहाँ के इलेक्ट्रॉन हमारे चले आए पी क्षेत्र में। तो यहाँ का जगह क्या हो गया? यहाँ का जगह जो है वो खाली हो गया। क्या हो गया जी? खाली हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया मेरा होल, और यहाँ पर मेरा क्या हो गया? यहाँ पर मेरा हो गया इलेक्ट्रॉन। क्लियर? जब हम पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को मिलाते हैं तो उस वक्त एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन है वो पी क्षेत्र में चले आते हैं। चले आ, तो इस प्रकार क्या होता है कि एन क्षेत्र में एक विपरीत ध्रुव बन गया और पी क्षेत्र में एक विपरीत ध्रुव बन गया। बात समझ आया कि नहीं? पी क्षेत्र में एक अलग ध्रुव बन गया और एन क्षेत्र में क्या बन गया? एन क्षेत्र में अलग ध्रुव बन गया। यानी कि ये जो लाइन है और ये लाइन, ये दोनों लाइन क्या कही जाएगी? ये दोनों के दोनों लाइन कही जाएगी हमारी बाउंड्री। क्या कही जाएगी जी? ये दोनों को दोनों लाइन हमारी कही जाएगी बाउंड्री। क्या कही जाएगी? बाउंड्री। बाउंड्री कहें या इसे हम जंक्शन कहें, बाउंड्री कहें या जंक्शन कहें, या इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या कहते हैं जी? पोटेंशियल बैरियर। फिर से एक बार समझिएगा, जब हम पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को आपस में मिलाते हैं तो मिलाते वक्त क्या होता है कि हमारे एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन है वो पी क्षेत्र में चले आते हैं, पी क्षेत्र में चले आते हैं। क्लियर? और एन क्षेत्र में क्या होता है? एन क्षेत्र में जो है जगह खाली बच जाती है। क्लियर? यानी कि एन क्षेत्र के मटेरियल में होल हो जाता है और पी क्षेत्र के मटेरियल में क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। क्लियर? जिसके कारण इन दोनों के बीच में, या तो दोनों का ये दोनों जो हो गए, दोनों के बीच में हमारा बन जाता है पोटेंशियल बैरियर, या इसे हम कहें बाउंड्री। क्या बन जाता है जी? बाउंड्री। अब यह मेरा बाउंड्री बन गया, तो बाउंड्री बनने के कारण यह जो इलेक्ट्रॉन है इस होल में नहीं आता है, और यह जो इलेक्ट्रॉन है, यह जो इलेक्ट्रॉन है होल में नहीं आता है, और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है इस होल में नहीं आता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान यहाँ पर नहीं होता है। यह बाउंड्री क्या करता है? यह बाउंड्री जो है एक बैरियर का काम करता है। किसे काम करता है? ये पॉइंट, यह पॉइंट मेरा एक बैरियर का काम करता है, पोटेंशियल बैरियर का काम करता है। क्लियर? अब इस बाउंड्री को तोड़ने के लिए, इस बाउंड्री को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? तो बाउंड्री को तोड़ने के लिए हमें चाहिए फोर्स। क्या चाहिए जी? फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। क्लियर? क्या चाहिए? इस बाउंड्री को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। क्लियर? तो यदि मेरा डायोड को हम लोग, डायोड जो हमारा दो मटेरियल से बनता है, एक बनता है जर्मेनियम का, एक बनता है सिलिकॉन का। तो यदि मेरा यह पी टाइप और एन टाइप मटेरियल जर्मेनियम से बना होगा, किससे बना होगा जी? जर्मेनियम से बना होगा। तो इसके बीच का जो ये पोटेंशियल बैरियर है, यह जो मेरा बाउंड्री है, इस बाउंड्री को तोड़ने के लिए 0.3 कितना वोल्ट लगता है जी? तो 0.3 वोल्ट। कितना वोल्ट लगेगा? 0.3 वोल्ट लगेगा। यदि यह मेरा पी टाइप और एन टाइप मटेरियल सिलिकॉन का बना होगा, किसका बना होगा जी? सिलिकॉन का बना होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि जर्मेनियम का बना है तो इस पोटेंशियल बैरियर को तोड़ने के लिए 0.3 वोल्ट चाहिए। यदि मेरा यह पोटेंशियल बैरियर, यदि मेरा यह पी टाइप और एन टाइप मटेरियल सिलिकॉन का बना है तो उसके पोटेंशियल बैरियर यानी कि बाउंड्री को तोड़ने के लिए 0.7 वोल्ट चाहिए। कितना वोल्ट चाहिए जी? यदि मेरा पी टाइप और एन टाइप मटेरियल बना होगा जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट और बना होगा सिलिकॉन का, तो 0.7 वोल्ट चाहिए। क्लियरली? अब देखिए, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हैं, जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, क्लियरली, तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के सिरों पर, कहां पर जी? सिरों पर। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के सिरों पर जब हम लोग क्या करते हैं? सप्लाई देते हैं। क्या करते हैं? सप्लाई देते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं भायस। क्या कहते हैं जी? भायस। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के सिरों पर दी जाने वाली सप्लाई क्या कही जाती है? भायस कही जाती है। और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के सिरों पर दी जाने वाली सप्लाई क्या कही जाती है? वोल्टेज कही जाती है। क्लियरली? क्या कही जाती है? तो हमारी कही जाती है भायस, और उसमें क्या कही जाएगी? इवन तो कही जाएगी भायस, और इलेक्ट्रिकल में क्या कही जाएगी? इलेक्ट्रिकल में कही जाएगी वोल्टेज। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के सिरों पर दी जाने वाली सप्लाई क्या कही जाती है? तो भायस की कही जाती है, और इलेक्ट्रिकल में क्या कही जाती है? तो वोल्टेज कही जाती है।
क्लियर जी। अब यहाँ पर हमारा पी एन जंक्शन डाउट समझ आ गया, बात समझ आई कि नहीं आई, आगे से मिटाते हैं। अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि पी एन जंक्शन डाउट को, यह मेरा पी एन जंक्शन डाउट हो गया, यह हमारा पी एन जंक्शन डाउट हो गया, इसे हम कहेंगे जंक्शन, क्या कहेंगे जी, इसे हम कहेंगे जंक्शन। यह जो है मेरा पी टाइप मटेरियल है और यह जो मेरा है वह एन टाइप मटेरियल है। क्लियर जी। पी टाइप मटेरियल में क्या होता है, तो पी टाइप मटेरियल में होता है मेरा होल, क्या होता है जी, होल होता है। और एन टाइप मटेरियल में क्या होते हैं, तो एन टाइप मटेरियल में होते हैं मेरे इलेक्ट्रॉन, हमारे क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही है सब किसी को, क्लियरली। अब देखिए ये पी टाइप मटेरियल, इसे ऊपर कर देते हैं, यह मेरा पी टाइप मटेरियल हो गया, यह मेरा एन टाइप मटेरियल हो गया, क्लियर। ये बीच के पॉइंट को हम लोग कहेंगे जंक्शन। अब जब हम इसे स्टार्टिंग में जब हम पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को मिलाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे चले आए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रॉन, क्लियरली। और यह जो पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा होल, क्लियर। तो होल को हम लोग क्या कहेंगे, होल को कहेंगे प्रोटॉन, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर बन गया मेरा विपरीत ध्रुव, क्लियर। यह जो पॉइंट है, पॉइंट क्या कहा जाएगा, यह पॉइंट कहा जाएगा प्रोटॉन यानी कि होल, और यह पॉइंट क्या कहा जाएगा, ये कहे जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब यहाँ पर हमको जानना है रिवर्स वायस और फॉरवर्ड वायस, क्या जानना है, रिवर्स वायस और फॉरवर्ड वायस, क्या तो हम जानते हैं अभी यहाँ पर क्या चीज, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायस, क्लियर। फॉरवर्ड बायस के बारे में हम जान लेते हैं कि फॉरवर्ड बायस मेरा क्या है, तो यह जो है मेरा पी एन जंक्शन डायोड है, कौन सा डायोड है, ये मेरा पी एन जंक्शन डायोड है, क्लियर। अब क्या करते हैं कि पी एन जंक्शन डायोड, पी एन जंक्शन डायोड हो गया मेरा ये, क्लियर। तो पी एन जंक्शन डायोड के पी क्षेत्र को, पी एन जंक्शन डायोड के पी क्षेत्र को यानी कि पी सिरे को हम लोग क्या करते हैं, प्लस से, क्या करते हैं जी, प्लस से, क्लियरली, किससे जी, तो प्लस से। और एन क्षेत्र के हम लोग क्या करते हैं, एन क्षेत्र को हम लोग जोड़ देते हैं माइनस से। यह मेरा क्या है, तो यह मेरा हो गया बैटरी, क्या हो गया जी, बैटरी हो गया, क्लियरली। तो हम क्या, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, तो फॉरवर्ड बायस पढ़ रहे हैं। अब फॉरवर्ड बायस हमने क्या किया है कि मेरा पी एन जंक्शन डायोड हो गया, यह मेरा हो गया एन क्षेत्र, और यह मेरा, सॉरी, यह मेरा हो गया पी क्षेत्र, और यह मेरा हो गया एन क्षेत्र, क्लियर। अब हम क्या किए हैं कि बैटरी का जो मेरा प्लस है वो हमने क्या किया है, पी से जोड़ा है, और बैटरी का जो मेरा माइनस हमने किससे जोड़ा है, एन से जोड़ा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड बायस, क्लियर। अब इस स्थिति में क्या होता है कि जो इसका इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो मेरा बैटरी का जो नेगेटिव सिरा है, तो बैटरी के नेगेटिव सिरे से मेरे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन निकल क्या करते हैं, इस जो इलेक्ट्रॉन है, यह जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं, और यह इलेक्ट्रॉन आगे वाले को धक्का देता है, और यह जो इलेक्ट्रॉन है यह कहाँ चले आते हैं, इस पोटेंशियल वैल्यू क्या करते हैं, इस पोटेंशियल वैल्यू को तोड़ देते हैं, और तोड़ करके यह इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ चले जाते हैं, बात समझ में है कि नहीं। और जो सप्लाई है क्या होती है मेरी, आगे की तरफ चली जाती है। यानी यहाँ पर हम ये चीज समझे, यहाँ पर ये चीज हमको समझ में आ गई कि फॉरवर्ड बायस की स्थिति में क्या होता है, सप्लाई आगे की तरफ जाती है, क्या होता है, सप्लाई में जाएगी तरफ जाती है, यानी कि फॉरवर्ड बायस में क्या करेंगे, तो फॉरवर्ड बायस में बैटरी का जो मेरा प्लस सिरा होगा वो पी से जोड़ेंगे, और बैटरी का जो माइनस सिरा होगा वो क्या करेंगे, हम एन क्षेत्र से हम लोग जोड़ते हैं, क्लियरली। जब जोड़ेंगे तो एन क्षेत्र यानी कि हाँ सर, यहाँ से नेगेटिव से हमारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन निकल कहाँ जाएंगे, एन क्षेत्र में प्रवाह, एन क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, और जब एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे तो धक्का देकर कहाँ चले जाएंगे, पी क्षेत्र में चले जाएंगे, और पी क्षेत्र से जो मेरे इलेक्ट्रॉन है कहाँ चले जाएंगे, प्लस के पास चले जाएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायस, क्या कहते हैं जी, फॉरवर्ड बायस, क्लियरली। अब हमको जानना है क्या चीज, फॉरवर्ड बायस में आ गई, फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं, बैटरी का प्लस सिरा पी से, और बैटरी का नेगेटिव सिरा एन से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्लियर। और इस क्रिया में सप्लाई का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, क्लियरली। अब हम जानते हैं रिवर्स बायस के बारे में, किसके बारे में जानते हैं, रिवर्स, इसके बारे में जी, रिवर्स बायस के बारे में, क्लियर। तो रिवर्स बायस में क्या होता है कि रिवर्स बायस में हम क्या करते हैं, थोड़ा चेंजिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं जी, चेंजिंग करते हैं। और चेंजिंग हम क्या करते हैं कि चेंजिंग हम लोग पी के यानी कि जो हमारा पी सिरा है, पी सिरे पर हम लोग जोड़ते हैं बैटरी का नेगेटिव, क्या जोड़ते रहते हैं, बैटरी का निगेटिव, क्या जोड़ देते हैं, बैटरी का नेगेटिव जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मेरा हो गया माइनस, और यहाँ पर मेरा क्या हो गया, प्लस। तो हम कहेंगे रिवर्स बायस क्या है, तो
तो रिवर्स बायस में हम लोग जो मेरा पीएन जंक्शन डायोड होता है तो पीएन जंक्शन डायोड के पी क्षेत्र को हम लोग किससे जोड़ते हैं, बैटरी के निगेटिव से जोड़ते हैं और एन क्षेत्र को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं। क्लियर। तो जब हमने क्या किया यहाँ पर, हमने विपरीत क्रिया जोड़ दिया, एन का क्षेत्र जोड़ दिया प्लस से और पी का क्षेत्र जोड़ दिया माइनस से। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन है और जो मेरा प्रोटोन है ये क्या होते हैं, दोनों अपने केंद्र से, अपने केंद्र यानी कि अपने जंक्शन से, जंक्शन का मतलब क्या हो गया, अपने बाउंड्री से। क्लियर। अपने बाउंड्री से क्या करते हैं, बाउंड्री से अपने यहां आकर्षित होकर के नीचे की तरफ चले जाते हैं। नहीं यह कह सकते हैं यहाँ पे क्या चीज कि जो मेरा यहाँ पर एन क्षेत्र का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले आए, बैटरी के प्लस के पास चले आए, और यहाँ पर जो पी क्षेत्र के जो होल है वो कहाँ चले आए, वो कहाँ गए, वो चले आए मेरे बैटरी के निगेटिव के साथ। बात समझ में आई कि नहीं आर्य जी, यानी कि हम लोग डायोड का पी क्षेत्र जोड़ चुके हैं किसके साथ, डायोड का हमने पी क्षेत्र जोड़ रखा है बैटरी के निगेटिव के साथ और एन क्षेत्र जोड़ रखा है बैटरी के पॉजिटिव के साथ। तो इस प्रकार क्या होगा कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन अपने जंक्शन से दूर चले जाते हैं, क्या होते हैं जी, मेरे इलेक्ट्रॉन अपने जंक्शन से दूर चले आते हैं और उस समय क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो रिवर्स भाग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यहाँ पर नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आ गई। तो फॉरवर्ड भाग कैसे करते हैं, रिवर्स भाग कैसे करते हैं, समझ में गया आप, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियरली।